अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपके पास भी कभी ना कभी 143 सबसेक्शन 1 का कोई नोटिस या इंटीमेशन आपको रिसीव हुआ होगा। तो अगर आपने कभी ITR भरी है और आपको भी इस तरह का नोटिस जो कि अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिसीव हुआ है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपको नोटिस रिसीव होता है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, जिसको कि हम इंटीमेशन के नाम से जानते हैं, तो क्या ये वास्तव में कोई नोटिस है या ये एक जस्ट इंटीमेशन है जो कि आपको डिपार्टमेंट की तरफ से भेजी गई है ये कंफर्म करने के लिए कि आपकी ITR प्रोसेस कर दी गई है। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इस इंटीमेशन को पढ़ सकते हैं, कैसे आप इस इंटीमेशन को समझ सकते हैं और क्या आपको इसका रिप्लाई करने की कोई जरूरत है या नहीं। इन सभी बातों पर आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा। तो जानने के लिए और अच्छे से समझने के लिए कि आखिर 143 सबसेक्शन 1 में जो आपके पास नोटिस आता है, क्या ये वास्तव में एक नोटिस है या एक इंटीमेशन है, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही खास वीडियो जिसमें मैं आपके साथ बात करूंगा इंटीमेशन और नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स, जो कि आपको अक्सर रिसीव होता है जब आप अपनी ITR फाइल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 143 सबसेक्शन 1 जो ये बात कहता है कि जब भी कोई पर्सन अपनी ITR फाइल करेगा उस ITR को डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोसेस किया जाएगा और डिपार्टमेंट की तरफ से कंप्यूट किया जाएगा कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, कितना उस पर टैक्स बनता है, अगर रिफंड है तो रिफंड कितना बनता है, और साथ के साथ इसके अलावा कई चीजें हैं जो हम इस वीडियो में समझेंगे जो कि कैलकुलेट की जाती हैं एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ योर ITR एट अ CPC सेंटर। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए एक डिफरेंट सेटअप क्रिएट किया गया है जिसको कि हम CPC सेंटर के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, जो कि आपका बेंगलुरु में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही आप अपनी ITR फाइल करते हैं आपकी ITR प्रोसेसिंग में चली जाती है जो कि प्रोसेस की जाती है बाय CPC टीम। तो अब हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में जिसमें आपकी ITR प्रोसेस की जाती है तो उसमें आखिर किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, कौन कौन से पॉइंट्स पर आपकी ITR प्रोसेस की जाती है। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं आखिर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्या कहता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 बात करता है इनकम टैक्स में आपकी ITR को प्रोसेसिंग से रिलेटेड। वेयर अ रिटर्न हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 139 और इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 42, such return shall be processed in the following manner, namely. तो जो चीजें अब हम देखने जा रहे हैं उन चीजों के बेसिस पर आपकी ITR को प्रोसेस किया जाएगा by the CPC team. अब आखिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिस पर आपकी ITR प्रोसेस की जाती है। So, सबसे पहला जो पॉइंट है जिसके बेसिस पर आपकी ITR प्रोसेस की जाती है उसमें काफी सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो कि कंसीडर की जाती हैं जब आपकी ITR प्रोसेस की जाती है बाय CPC टीम। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट जो वहां पर की जाती है वो है अर्थमेटिकल एरर। तो अगर आपने अपनी रिटर्न में कोई भी अर्थमेटिकल एरर की हुई है तो CPC टीम द्वारा, सिस्टम द्वारा उन अर्थमेटिकल एरर्स को ठीक कर दिया जाता है और उन एरर्स को ठीक करने के बाद जो भी आपकी इनकम बनती है उस इनकम के बेसिस पे आपकी ITR प्रोसेस की जाती है। So, let's say, by mistake, आपने arithmetical error में plus minus का कुछ किया हुआ है। First of all, तो online ITR में arithmetical error होने के chances बहुत कम होते हैं, but still, अगर कोई भी error हुई है arithmetical, तो CPC टीम द्वारा उन errors को ठीक करके आपकी ITR को प्रोसेस किया जाता है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो एडजस्टमेंट की जाती है वो है इनकरेक्ट क्लेम की। तो अगर आपने अपनी ITR में कोई भी इनकरेक्ट क्लेम ले रखे हैं तो उन क्लेम्स को वहां पर डिसअलाउ कर दिया जाता है एंड अकॉर्डिंगली आपकी ITR प्रोसेस कर दी जाती है। सो इनकरेक्ट क्लेम का एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन नहीं है लेकिन आपने ऐसी कोई डिडक्शन क्लेम कर ली है या ऐसा कोई बेनिफिट क्लेम कर लिया है जो कि केवल सीनियर सिटीजन को ही मिलता है, तो यहाँ पर वो क्लेम इनकरेक्ट क्लेम माने जाएंगे और वो डिसअलाउ करते हुए, एड बैक करते हुए आपकी ITR प्रोसेस कर दी जाएगी। तीसरे नंबर की एडजस्टमेंट जो यहाँ पर की जाती है वो है डिसअलाउंसेस ऑफ अ लॉस क्लेम। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना जरूरी हो जाता है कि अगर आप अपना कोई भी लॉस सेट ऑफ करना चाहते हैं या अगले सालों के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको अपनी ITR विद इन ड्यू डेट फाइल करना जरूरी होता है। तो
अगर आपने अपनी कोई भी ITR ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं करी है तो वहां पर सीपीसी टीम द्वारा उन लॉसेस को डिसअलाउ कर दिया जाता है और आपको उन लॉसेस का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर देख लेते क्या लिखा हुआ है। If return of the previous year for which set off of losses is claimed was furnished beyond the due date, तो आपके वो जो losses हैं वो disallow कर दिए जाएंगे and accordingly आपकी ITR process की जाएगी after disallowances of such losses. Fourth number पर जो adjustment की जाती है वो है disallowances of a expenditure. तो अगर आपने ऐसे कोई एक्सपेंडिचर क्लेम कर रखे हैं वाइल फाइलिंग ITR जो कि आपके ऑडिट रिपोर्ट से मैच नहीं करते हैं, इट मींस आपके ऑडिट रिपोर्ट में CNN लिख रखा है कि ये वाला एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाएगा लेकिन स्टिल आपने ITR में उसको अलाउ कर रखा है और क्लेम कर रखा है, तो जब सीपीसी टीम आपकी ITR प्रोसेस करेगी तो वहां पर वो उन एक्सपेंसेस को ऑटोमेटिकली डिसअलाउ कर देगी जो इन्फॉर्मेशन उसको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से मिली होगी, और इन एक्सपेंडिचर्स के डिसअलाउ होने के बाद ही जो भी आपकी ITR आएगी उस ITR को वहां पर प्रोसेस किया जाएगा। फिफ्थ नंबर पर जो एडजस्टमेंट यहां पर की जाएगी वो है डिसअलाउंसेस ऑफ अ डिडक्शंस। तो अगर आपने कोई गलत डिडक्शंस ले रखी है जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे या आपके लिए वो डिडक्शंस नहीं बनी थी या आपने वो गलत डिडक्शंस क्लेम कर रखी हैं तो उन केसेस में भी आपकी वो डिडक्शंस डिसअलाउ कर दी जाएंगी एंड अकॉर्डिंगली आपकी ITR प्रोसेस की जाएगी आफ्टर डिसअलाउंसेस ऑफ दोस डिडक्शंस। सो ये है वो कुछ एडजस्टमेंट्स जो की जाती हैं जब आपकी ITR सीपीसी टीम द्वारा प्रोसेस की जाती है। इसके बाद जो यहाँ पर स्टेप लिया जाता है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में वो है टैक्स कैलकुलेशन। तो जो भी आपकी ITR ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स करने के बाद आई है और उस पर जो भी आपकी इनकम बनी है उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, इंटरेस्ट एंड फीस कैलकुलेट की जाएंगी एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपकी इनकम ऊपर कंप्यूट की गई है उसका टैक्स यहां पर फाइनल किया जाएगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड फीस इफ एनी। इसके बाद सीपीसी टीम द्वारा आपका रिफंड कैलकुलेट किया जाएगा या टैक्स पेबल है तो वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो जैसे ही आपका इस वाले पॉइंट में टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा तो थर्ड नंबर पर सीपीसी टीम आपका एक सम पेबल डिसाइड करेगी जो या तो आपको देना होगा या डिपार्टमेंट आपको देगी। तो अगर आपका कोई रिफंड बनता है ड्यू टू द SSC तो वो डिटरमाइन किया जाएगा, अगर आपका कोई सम पेबल बनता है तो वो यहाँ पर डिटरमाइन किया जाएगा एंड ऑब्वियसली ये जो अमाउंट डिटरमाइन किया जाएगा वो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द टैक्स अबव जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है उसके बेसिस पर ही किया जाएगा। इसके बाद एक इंटीमेशन आपको भेजी जाती है जो कि अक्सर आपको आपके ईमेल पर रिसीव होती है, तो उस इंटीमेशन को सीपीसी टीम द्वारा बनाया जाएगा और आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। सो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है सेक्शन में। An intimation shall be prepared or generated and sent to the SSC specifying the sum determined to the payable by or amount of refund due to the SSC. तो इस intimation में आपको बताया जाएगा कि कितना amount है जो आपको हमें pay करना है और ऐसा कितना amount है जो हम आपको देंगे as a refund. तो या तो payable का केस होगा या refund का केस होगा, as the case में भी आपको intimation भेज दी जाएगी। अगर आपकी ITR processing होने के बाद आपका रिफंड बनता है तो वो रिफंड आपको इमीडिएटली दे दिया जाएगा जो कि आपके पास 7 से 10 दिन में आ जाता है आफ्टर जनरेटिंग इंटीमेशन। सो फिफ्थ नंबर पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू दी SSC शैल बी ग्रांटेड टू दी SSC और ये अक्सर आपके पास 7 से 10 दिन में आ जाता है। सो फ्रेंड्स ये है वो कुछ केसेस जहां पर आपको इंटीमेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भेजी जाती है जब आप अपनी ITR फाइल करते हैं। तो मैं कह सकता हूं अगर आपका टैक्स में कोई भी चेंज आया है, अगर आपकी इनकम में कोई भी चेंज आया है तो आपको यहां पर इंटीमेशन जरूर रिसीव होगी। इसके अलावा एक ऐसा केस और है जहां पर आपका अगर टैक्स में कोई बदलाव नहीं आया है, इनकम में भी कोई बदलाव नहीं आया है, तब भी आपको इंटीमेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भेजी जाएगी। और वो केस है अगर आपके लॉसेस में कोई चेंज हुआ है। तो मान लीजिए आपने अपनी ITR फाइल करी है जिसमें आपने 5 लाख रुपए का लॉस क्लेम किया है लेकिन सीपीसी टीम द्वारा आपके लॉसेस को चेंज करके घटा दिया गया है, भले ही आपके टैक्स पर कोई चेंज नहीं आया है, भले ही आपके रिफंड पर भी कोई चेंज नहीं आया है, तब भी आपको इंटीमेशन भेजी जाएगी। सो पॉइंट नंबर 6 में आप देख सकते हैं इंटीमेशन शैल ऑल्सो बी सेंड टू दी SSC इन केस वेयर द लॉस डिक्लेयर इन द रिटर्न बाय SSC इज एडजस्टेड बट नो टैक्स पेबल और नो रिफंड इज ड्यू टू हिम। तो अगर आपका लॉस चेंज किया गया है, लॉस को एडजस्ट किया गया है, भले ही आपका इनकम टैक्स बना या नहीं बना, भले ही आपका रिफंड चेंज हुआ या नहीं हुआ,
तो भी उस केस में आपको इंटीमेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भेजी जाएगी। तो चलिए अब सीधा देख लेते हैं इंटीमेशन जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से भेजी जाती है। तो इस इंटीमेशन में मैं आपको समझा पाऊंगा कि किस तरह से कौन सा कॉलम है जो हमारी रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा ऐसा कॉलम है जो डिपार्टमेंट की कंप्यूटेशन को रिप्रेजेंट करता है, और उन दोनों में अगर कोई डिफरेंस हो तो किस तरह से डिफरेंस क्रिएट होता है, और अल्टीमेटली हमें उस इंटीमेशन को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वो इंटीमेशन जो कि आपको भेजी जाती है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जैसे ही आपके पास ये इंटीमेशन रिसीव होगी इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन रहेंगी, कौन सा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इसका कम्युनिकेशन रेफरेंस नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इसी तरह आपने कौन सी ITR फाइल करी थी वो यहाँ पर मिलेगी, ऑर्डर डेट क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सो इसमें जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे आपको यहाँ पर हेड वाइज यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। तो ये वाला जो कॉलम आप देख रहे हैं ये वो कॉलम है जो ITR में फाइल करते हुए इंफॉर्मेशन डाली गई थी, और ये वो कॉलम है जो CPC ने आपकी ITR प्रोसेस करते वक्त डिजाइन किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिजनेस और प्रोफेशन में SSC ने अपनी ITR में 4,30,000 रुपए भरे थे, तो CPC टीम ने जब आपकी इनकम असेस करी, कंप्यूट करी सिस्टम द्वारा, तो वो भी 4,30,000 रुपए ही कंप्यूट करी है, इसके बाद कहीं पर भी कोई वैल्यू नहीं है। सेम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल SSC ने भरी थी इतनी, CPC ने भी इतनी ही कंप्यूट की है, यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं लिया गया है। सो ये वाला जो इंटीमेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वो है जहां पर कोई डिफरेंस नहीं आया है, इसके बाद मैं आपको वो इंटीमेशन दिखाऊंगा जहां पर डिफरेंस क्रिएट हुआ है SSC द्वारा फाइल की गई रिटर्न में और CPC द्वारा प्रोसेस की गई ITR में। तो इसके बाद आप नीचे इसी में देखेंगे तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस SSC ने 13,192 रुपए दिखाई है, CPC टीम ने भी इतना ही कंप्यूट किया है, ATC में जो टोटल डिडक्शन है वो भी सेम है, यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। फाइनली ATTTA में जो डिडक्शन क्लेम की थी SSC ने, तो CPC टीम ने भी उतनी ही डिडक्शन यहाँ पर अलाउ कर दी है। टोटल टैक्सेबल इनकम SSC ने 1,12,000 रुपए दिखाई है, तो CPC टीम ने भी 1,12,000 रुपए ही कंसीडर की है। सो यहाँ तक मैं अगेन कह सकता हूँ कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ही उसमें, तो जो SSC ने ITR फाइल करी है CPC टीम ने भी उतना ही अमाउंट यहाँ पर डिसाइड किया है। TDS को लेकर यहाँ पर SSC ने बोला है 8,506 रुपए का TDS कटा है, CPC टीम ने भी इतना ही TDS यहाँ पर कंप्यूट किया है और उसका जो नेसेसरी इम्पैक्ट है वो यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद बात कर लेते हैं रिफंड्स की, तो यहाँ पर SSC ने जो 8,506 रुपए का रिफंड क्लेम किया था तो ITR में राउंड ऑफ की वजह से 8,510 रुपए का रिफंड क्लेम किया गया है, और CPC टीम द्वारा 8,506 रुपए का रिफंड एक्सेप्ट किया गया है एंड प्रोसेस किया गया है यहां तक। इसके बाद इंटरेस्ट आता है, तो क्योंकि ITR में 244A का इंटरेस्ट क्लेम करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये सिस्टम कंप्यूट करता है, तो ऐसे में 213 रुपए CPC टीम ने यहां कंप्यूट करके लिखा है इंटरेस्ट, जो कि ITR में यहां पर नॉट एप्लीकेबल मेंशन है। तो इस तरह से कुल मिलाकर SSC ने जो रिफंड क्लेम किया था 8,510 रुपए क्लेम किया था, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिफंड ग्रांट किया गया है वो 8,719 रुपए का किया गया है, जिसको कि राउंड ऑफ में करने के बाद 8,720 रुपए डिपार्टमेंट ने यहाँ पर रिफंड इशू कर दिया है। और जैसे ही रिफंड इशू किया है तो यहाँ पर एक रिफंड सिक्वेंस नंबर भी दे दी गई है जिसके थ्रू आप अपना रिफंड ट्रैक कर सकते हैं। जनरली ये रिफंड आपको 2 या 3 दिन में या मैक्सिमम 5 दिन में रिसीव हो जाता है इंटीमेशन जनरेट होने के बाद, बट अगर फिर भी आपको नहीं मिला है तो आप इस रिफंड सिक्वेंस नंबर के थ्रू अपने रिफंड को ट्रैक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये थी वो इंटीमेशन जहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं आया था एज पर द SSC रिटर्न और एज पर द CPC प्रोसेस रिटर्न। अब मैं आपको वो इंटीमेशन दिखाने जा रहा हूँ जहां पर डिफरेंसेस हैं एज पर द SSC रिटर्न और एज पर द CPC प्रोसेस रिटर्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वो इंटीमेशन जो डिफरेंस वाली है। तो जैसे ही आप इसमें नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर आपको अगेन दो कॉलम दिखाई देंगे, ये मैं कह सकता हूँ ITR वाला कॉलम है, जब ITR भरी गई थी तो ये सारी इंफॉर्मेशन डाली गई थी, और ये वो कॉलम है जो CPC ने कंप्यूट किया है, CPC ने प्रोसेस किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द ITR SSC ने 20,088 रुपए इनकम दिखाई थी अंडर हेड PGVP, लेकिन जब आपकी CPC में ITR प्रोसेस की गई तो वहां पर इनकम कंप्यूट कर ली गई 35,088 रुपीज। अब ऐसा क्यों हुआ उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, उन रीजंस को भी इस इंटीमेशन में नीचे एक्सप्लेन किया जाता है, तो आप वहां से इनका रीजन भी चेक कर सकते हैं कि ये डिफरेंसेस क्यों आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, जहां जहां पर 20,088 रुपए SSC ने क्लेम किया था प्रॉफिट, वहां वहां CPC टीम ने 35,088 रुपए
असेस किया है, कंप्यूट किया है और उस अकॉर्डिंग आपकी इंटीमेशन यहाँ पर क्रिएट की गई है। तो इसमें जैसे ही आप और नीचे की तरफ आएंगे ये सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हैं एसएससी ने अपने हिसाब से 6,027 रुपए का टैक्स कंप्यूट किया था ऑन द बेसिस ऑफ 20,000 रुपीज वाली इनकम पर, लेकिन जब डिपार्टमेंट ने सीपीसी टीम ने आपका टैक्स असेस किया तो वो 10,527 रुपए कंप्यूट किया ऑन द बेसिस ऑफ 35,000 वाली इनकम पर। तो सिमिलरली यहां पर भी एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है टैक्स पेबल में। एंड अकॉर्डिंगली जो आपने एजुकेशन सेस कैलकुलेट किया था वो आपने इस अमाउंट के ऊपर किया था, लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीपीसी टीम ने एजुकेशन सेस कंप्यूट किया तो वो आपका इस वाले अमाउंट के ऊपर कंप्यूट किया, जो कि ऑब्वियसली ज्यादा आएगा। एंड इसी तरह से आप नीचे देख सकते हैं एसएससी का जो टोटल टैक्स बनता है वो 6,208 रुपए बनता है एज पर आईटीआर, लेकिन सीपीसी टीम ने जो टोटल टैक्स कंप्यूट कर रखा है वो 10,843 रुपए कर रखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड एजुकेशन सेस इफ एनी। इसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी की तरफ से 234A का इंटरेस्ट 496 था, डिपार्टमेंट की तरफ से 864 रुपए कैलकुलेट हो गया, डिपार्टमेंट की तरफ से 234B का इंटरेस्ट 234C दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, जबकि एसएससी ने इन दोनों ही इंटरेस्ट को जीरो दिखा रखा था जो कि उसके हिसाब से नहीं बनता था। सो फाइनली एसएससी ने यहाँ पर एडमिट किया था कि मेरी 6,704 रुपए की लाइबिलिटी बनती है जो उसको पे करनी थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जो लाइबिलिटी असेस करी है वो 13,737 रुपए की असेस करी है। सो यहाँ तक का डिफरेंस आप देख सकते हैं दोनों ही कंप्यूटेशंस में किस तरह से चल रहा है। एसएससी ने कुछ और अमाउंट डिक्लेयर किया था जबकि सीपीसी टीम द्वारा कुछ और अमाउंट डिटरमाइन किया गया है। तो एसएससी ने 6,704 रुपए की टैक्स लाइबिलिटी के बदले 6,700 रुपए पे कर दिए थे, जबकि डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि 13,737 रुपए की लाइबिलिटी के बदले हमें केवल 6,700 रुपए रिसीव हुए हैं। तो डिफरेंस अभी भी है जो डिपार्टमेंट आपसे मांग रहा है बाय वे ऑफ अमाउंट पेबल। तो आप यहां पर देख सकते हैं एसएससी की आईटीआर के हिसाब से देयर इज नो पेबल, जबकि सीपीसी द्वारा अगर जो कंप्यूटेशन की गई है उसमें आपका एक पेबल अमाउंट आता है जो कि आपको डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा। इसी इंटीमेशन में जब आप और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ने 7,040 रुपए का एक डिमांड रेस कर दिया है, जिसके लिए आपको ऑप्शन भी दे दिया है कि आप इसे ई पे कर सकते हैं, ऑनलाइन आप इसकी पेमेंट करके इसको सेटल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है सीपीसी टीम द्वारा प्रोसेस की गई आईटीआर में कोई एरर है या कोई चीज है जो स्टिल उन्होंने मिस कर दी है तो आप इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए आपको 30 डेज का टाइम दिया जाता है, विद इन 30 डेज आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, अपनी आईटीआर को रिवाइज भी कर सकते हैं, करेक्शन के लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी आईटीआर सही प्रोसेस की गई है और एक्चुअल में ये लाइबिलिटी आपके ऊपर बनती है तो आप जल्द से जल्द इस लाइबिलिटीज को पे करने की कोशिश करें ताकि आप अपने ऊपर हैवी इंटरेस्ट लगने से बच पाए। सो अगर आपके पास इस तरह की कोई इंटीमेशन आई है और उसमें आपका टैक्स पेबल बनता है तो आप उस टैक्स पेबल की पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाके अपडेट करना होगा ताकि वहां से वो आउटस्टैंडिंग टैक्स लाइबिलिटी वाले कॉलम में से आपका टैक्स अमाउंट हटा दें और ये इंश्योर हो पाए कि फ्यूचर में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स अगर आपके पास भी इस तरह की कोई इंटीमेशन आई है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये किसी भी तरह का नोटिस नहीं है इनकम टैक्स में, ये जस्ट एक इंटीमेशन है जो ये दिखाती है कि आपने जो आईटीआर फाइल करी थी और हमने जो आपकी आईटीआर प्रोसेस करी है उन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है, अगर डिफरेंस है तो कहाँ डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है और क्यों डिफरेंस है। तो जब भी आपको ये इंटीमेशन रिसीव हो आप इसे ओपन करें, ओपन करने के बाद आप इसे चेक करें और ये कंपेयर करें क्या एक्चुअल में कोई डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है और आप उन्हें सही करवा सकते हैं तो आप सही करवाएं, अगर डिफरेंस है और वो जेन्युइन डिफरेंसेस हैं तो आप उस केसेस में अपना टैक्स पे करें, और अगर डिफरेंस नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे अपने रिकॉर्ड में सेव रखें ताकि फ्यूचर में अगर आपको कभी कोई रेफरेंसेस लेना पड़े या जरूरत पड़े तो ये आपके पास रेफरेंस बतौर रखी रहे। आई होप आपको समझ आया होगा इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में क्या होता है, कैसे हम इसको समझते हैं, कैसे हम इसको पढ़ते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। आज की वीडियो में केवल इतना ही था, जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।